अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। वीवर आप देख रहे हैं आरएम डिश टीवी इन्फो। वीवर मेरे दूसरे चैनल पर मसला आया हुआ है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड आज मैं वीडियो बनाऊंगा मीडिया स्टार के मॉडल एमएस मिनी 1818 फोर एवर की, और ये बहुत ही प्यारा बॉक्स है और अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इसमें और क्या कुछ मिलेगा ये अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको दिखा दूंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं, और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक भी और शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें आपको 15 मंथ का फॉर एवर सर्वर मिलता है और 6 मंथ का फॉर एवर, और ये बहुत ही प्यारा बॉक्स है। इसमें आपको 8 MB की फाइल मिलेगी और यूट्यूब भी वर्क है, फुल HD है, H265 है, 2 USB इसमें आपको मिलेंगी, वाईफाई और कार्ड का भी इसमें ऑप्शन है। वो 8000 चैनल स्टोर कर सकते हैं, 100 नई सेटेलाइट ऐड कर सकते हैं और 4000 नई फ्रीक्वेंसियां भी इसमें आप लिख सकते हैं। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करा देता हूं और फिर आपको मेन्यू भी इसका चेक करवा दूंगा। सबसे ऊपर ये आपको मिलता है जी बॉक्स। जैसे ही आप इसकी पैकिंग उतारेंगे तो इसके बाद आपको इसका रिमोट मिलेगा जो कि बहुत ही शानदार अच्छा बना हुआ है, और रिमोट के लिए सेल भी ये साथ मिलेंगे कंपनी की तरफ से। और ये इसका पावर के लिए अडाप्टर भी आपको मिलता है साथ, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इसमें आपको HDMI लीड भी मिलेगी और एक्स्ट्रा सेंसर भी आपको साथ मिलेगा, IR सेंसर, और USB भी इसमें लगाने के लिए आपको टेंडा भी मिलेगा साथ। और अगर दीवार के साथ लगाना चाहें तो साथ ये ब्रैकेट भी मिलती है कंपनी की तरफ से, और ये टेप है दोनों तरफ से जुड़ जाती है, ये भी आपको साथ मिलेगी अगर आप रिसीवर को LED के साथ चिपसाना चाहें। और इसी तरह अगर आप सेंसर को लगाना चाहते हैं LED के नीचे, तो उसके लिए भी ये टेप दी गई है जो कि कंपनी देती है, और जो इसका मैनुअल यूज़र है पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी मैं थोड़े सा बॉक्स की आपको करवा देता हूँ चेकिंग। तो जैसे ही मैं इसको निकालूंगा तो ये रेड और ब्लैक दोनों रंग में आपको मिलेगा, और ऊपर ब्लैक है और साइडों पे आपको ब्लू कलर मिलेगा, और बहुत ही प्यारा इसका स्टेटस है, डिज़ाइन है। और ये इसके नीचे वाली साइड है, और कार्ड का इसमें ऑप्शन है, कार्ड भी आप लगा सकते हैं। और ये दूसरी तरफ एक तरफ आपको ये ट्यूनर मिलेगा, और साथ IR सेंसर के लिए जगह दी गई है, HDMI आउटपुट, ऑडियो वीडियो, USB और 12 वोल्ट अडाप्टर इधर लगाना है आपने। दूसरी तरफ जाएंगे तो इसमें भी 3 बटन मिलते हैं आपको, और इसमें एक पावर का है, दूसरा चैनल वगैरह का है। यहाँ से आप RS232 से केबल के जरिए इसको अपडेट भी कर सकते हैं। और ये दूसरी पोर्ट दी गई है और ये इसकी सील है। बहुत ही प्यारा बॉक्स है, किसी ने भी बाय करना हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अभी मैं आपको इसका लेटेस्ट मेन्यू भी चेक करवाता हूँ। वीवर जे मीडिया स्टार का लोगो है और बॉक्स को मैंने अपडेट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी लेटेस्ट डिटेल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी इसका मेन्यू ओपन, और उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल वगैरह दिखाता हूँ। तो वीवर ये इंसुलेशन है, यहाँ आके आपने एंटीना सेटिंग में जाना है, तो यहाँ आप कोई भी नई सेटेलाइट ऐड कर सकते हैं। तो आपने इस सेटेलाइट वाले ऑप्शन पे ओके का बटन प्रेस करना है और फिर रेड के बटन को आपने कर देना है प्रेस। तो यहाँ से आपने लिखना है 3, 8 और एंड पे 0, और सबसे आपसे नीचे आके आपने इसको कर देना है सी। तो ये देखें व्यूअर, ये 38 आ गई है। अब इस सेटेलाइट को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें व्यूअर, ये नई सेटेलाइट आ गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि नई फ्रीक्वेंसी को लिखनी चाहें तो
तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने 9 TP पे ओके करना है और फिर रेड वाला बटन प्रेस करना है। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपने लिखना है 41 60, ये गलत हो गया जी, 41 60 वी और 16 100, और मैं यस कर दूंगा इसको। तो ये फ्रीक्वेंसी हम कर लेते हैं जी 51 50, और डायरेक्ट स्विच मैं लगा दूंगा कि गलबन मेरा 6 होगा या फिर 8 होगा। तो ये 6, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मेरे पास कौन सा डायरेक्ट स्विच लगा हुआ है। तो मेरे पास ये 2 वाला लगा हुआ है, और मैं नीचे आके सेटेलाइट की जगह पे ट्रांसपोर्टर करूँगा और फिर कर दूंगा इसको ओके। तो अभी आपके सामने जो चैनल भी ट्यून हो जाएंगे, तो ये देखें जी हम टीवी वगैरह आ गए हैं। और उसके बाद बैग चलते हैं, और यहाँ से आपको USB मिलती है, फैक्ट्री डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, और पास मेन्यू भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से नीचे आप ऐड वगैरह भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से चैनल आप कर सकते हैं आगे पीछे, ये भी मैं किसी वीडियो में दिखा दूंगा। ये इसकी सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपको यहाँ ऐप मिलेंगे। ये देखें व्यूअर, ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि अच्छे रिसीवरों में मिलती हैं। और आपने हमेशा जो ऑप्शन जेन्युइन आए होते हैं उनके साथ ही रहा करो, वो बेहतर होते हैं। और उसके बाद ये बैग चलते हैं जी OSD, तो यहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। AC बाईपास आपने कर लेनी है ऑन अगर आवाज़ का इशू हो तो। और उसके बाद ये मैं चैनल मैक्स सेटिंग है, ये भी ऑन कर लेनी है अगर ऑफ हो। और उसके बाद यहाँ से लॉक लगा सकते हैं, वीडियो की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, और ये इसका अबाउट STB है, ये भी देख लें व्यूअर। और इसके बाद नेटवर्क में जाएंगे तो नेटवर्क में आपको वायरलेस सेटिंग, IP सेटिंग, 3G सेटिंग, VPN और ब्लूटूथ वगैरह मिल जाते हैं। तो अभी सर्वर भी मैं आपको चेक करवा दूंगा किसी वीडियो में कि कैसे उसको भी अपडेट करते हैं। और जो इसके आप ऑल ऐप हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेटफ्लिक्स का भी इसमें ऑप्शन है, और भी काफ़ी इसमें ऑप्शन है। ये देखें TikTok भी इसमें बिल्कुल काम करती है, और इसके जो आम ऐप हैं DLN भी इसमें है। अब मैं कोई चैनल भी प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें व्यूअर, जी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।